तो रात के बज रहे हैं 11 और ये देखिए हो रही है पैकिंग। तो मामी जो है पैकिंग करा रही हैं, ये पैकिंग चल रही है। किसालनी जी जो है अब जा रही हैं अपने, कहाँ जा रही है? मायके होता है कि ससुराल? मायके जा रही है, ससुराल से ही है। अच्छा मायके जा रही हैं, मायके यानी अच्छे से एंजॉय करके आएगी अपना। मम्मी के यहाँ जा रही है, लेके जा रही हूँ ना। ये रात के 11 बज रहे हैं और ये जो है तीन दिन से, पिछले तीन दिनों से ऐसे ही पैकिंग चल रही है। बताइए भाई, तुमको उठाना है? हम लोग भी जाएंगे ना कल स्टेशन छोड़ने के लिए। बबुआ जाएंगे, मैं जाऊंगी, बबनी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। इसमें तुम्हारा सामान कैसे रखी हो? तो इसमें बहुत है, इसको नीचे रख लो। अच्छा बताइए दोस्तों, ये तीन चार दिनों से पैकिंग चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है पैकिंग। अच्छे से इसमें आए तो कितने दिनों के लिए जा रही हो? कितनी सारी पैकिंग कर रही हो बताओ। बताओ जल्दी। ऐसा लग रहा है महीनों के लिए जा रही है, अब देखते हैं। एक हफ्ते के लिए जा रही हो? एक हफ्ते में? पाँच दिन के लिए। पाँच दिन के लिए जा रही हो? पाँच दिन की पैकिंग है। बोलो ना कितने दिन के लिए जा रही हो? एक महीने, दो महीने, बताओ। वही है दोस्तों, बोलो कि जल्दी जाऊंगी, आऊंगी, ये बोलो। आज आऊंगी, बोलो जल्दी आऊंगी। ठीक रहूंगी तो आ जाऊंगी। तो ठीक नहीं हो? ठीक रहूंगी तब आ जाऊंगी। अभी मतलब तो जाके तबीयत खराब कर लोगी तो फिर जाना? ठीक नहीं लग रहा मेरा, तो मत जाऊं। हाँ, तो ये बात है तो फिर नहीं जाओ, फिर तबीयत खराब है तो फिर कैसे जाओगी? तो मत जाओ, फिर कैसे सफर कर पाओगी? पूरी सोच रही हूँ। ये देखिए तो लड़कियों की पैकिंग में यही होता है कि सारा ताम झाम लेके जाना होता है, चूड़ी, सैंडल, चप्पल। ये नहीं जाऊंगी तो चूड़ी सेट नहीं पहनूंगी। तुमको ये रखना चाहिए था ना, सब क्यों थोड़ी पता है कि तुमको क्या रखना है। लड़कों लोगों में सही ताम झाम नहीं होता है, सच में ताम झाम लेडीज लोगों में होता है। तो तुम्हें पहले से, तुमको जब पता है कि जाना है तो धीरे धीरे ले आता है। ठीक है, 11 बज गए फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये पैकिंग जो है खत्म हो पाएगी और आज हो पाएगी। एक दो महीने बाद मुलाकात होगी कि नहीं होगी दोस्तों? मैं भी थोड़े दिन बाद जो है निकल रहा हूँ, आगरा शहर मुझे छोड़ना होगा। मुझे भी मेरे ऑफिस वाले बुला रहे हैं। तो चलिए ये ब्लॉग जो है कल भी कंटिन्यू रहेगा, आज तो जो है ये पैकिंग ही चल रही है। और लग रहा है 11-12 बज जाएंगे और सुबह की ट्रेन है, सुबह 10 बजे की। तो सुबह यहाँ से 7 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि आगरा से ट्रेन नहीं है। ये पटना वाले रूट की गाड़ियाँ सारी टूंडला से जाती हैं, टूंडला आगरा से जो है आपका 25-30 किलोमीटर दूर है। हाँ तो है तो दिल्ली, लेकिन आगरा से नहीं जाती वो सारी गाड़ियाँ, वो टूंडला से जाती हैं। तो यही है पैकिंग जो है तीन चार दिनों से चल रही है और खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखिए स्माइल, दोस्तों बताइए कैसा चेहरा है मेरा? कैसा? रो रही हूँ कि हंस रही हूँ? हंस रही है कि रो रही है? बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताइए मैं कैसी नजर आ रही हूँ बताइए। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये पैकिंग तो चलती रहेगी, मामी आ गए हैं हेल्प कर देंगे तो मुझे लग रहा 10-15 मिनट में सुलट जाएगा, वरना जो है 12-11 तो बज ही गए हैं, 12 तो बज ही जाएंगे इसमें लग रहा है। दोस्तों बेड पूरा भर गया है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, सुबह मुझे ही जाना है छोड़ने। और प्लस इनके भैया आ ही चुके हैं, जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में दिखाया था बैठे हुए थे, तो उनसे बात नहीं हो पाई, थोड़े लेट हो गए। चलिए कल बात होगी स्टेशन पे ही, सुबह इन्होंने ट्रेन करा रखी है, सुबह ही निकलना है, बहुत अर्ली मॉर्निंग है। लाओ ना इसमें और आएगा कपड़े दो, अब वो रख लूंगी, जल्दी सोना है। ठीक है ना, लेके आओ जल्दी दो। अब इसको अंदर सारे खराब हो गए होंगे, इसमें इसमें अभी बहुत आएगा। ठीक है ना, पर्स नहीं रखोगे? पर्स रख लो, बोल रही थी ना कि रखना है। चश्मा कहाँ है? चश्मा मिला? रख लो। दोस्तों पूरा फैला पड़ा हुआ, इधर भी उधर भी इधर भी, चार पांच बैग हो जा रहे हैं। ये पहली बार घर जा रही हैं तो चार पांच बैग हो जा रहे हैं। ये दोस्तों टूंडला स्टेशन पे खड़े हैं,
यहाँ से जाएंगे पटना, फिर उसके बाद जो है बहुत धूप है दोस्तों, तो सामान वहीं छोड़ दिया है और ऐसे दुकान की शरण में जो है खड़े हो गए। थोड़ा सी छाया आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए दिन में 10 बजे बहुत तेज धूप हो गई है। दोस्तों सामान लग गया, अंदर सब पहुंचा दिया। ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ 2 मिनट ही है, 2 मिनट बाद ये खुल जाएगी। यहाँ से जाके सामान लगा लो, चलो बाय। चलिए दोस्तों ट्रेन में बैठा दिया है और जो है धूप बहुत तेज़ है, यहाँ छाया भी नहीं है कि खड़ा होया जाए, और प्लस ये लोग बैठ भी गए हैं, सारा सामान एडजस्ट भी हो गया, तो मैं निकल रहा हूँ। और वैसे भी ट्रेन भी चलने वाली है। दोस्तों मैं निकल आया, ट्रेन भी चल रही थी, धूप बहुत थी, अब मुझे आगरा जाने में जो है 40 मिनट लगेंगे करीब। धूप में 11 बज गए हैं, बहुत तेज़ धूप है। पहले जाके पानी पीऊँगा, बोतल तो लाया ही था, बहुत धूप है। टुंडला जो है 40 मिनट की दूरी पर है। देखिए दोस्तों वही वाली ट्रेन है, तू चल ली। ये देखिए दोस्तों यही ट्रेन पकड़ने आए थे, अब दूर से देख रहे हैं कि अब तो ट्रेन निकल गई, अब जो है ट्रेन छूट गई इनकी। बहुत धूप हो गई है दोस्तों, पानी जरूर रखिए कार वगैरह में ताकि पी सकें। अब जाके जान में जान आई है, अब मैं आराम से गाड़ी चला पाऊंगा। चलिए दोस्तों मैं घर पहुंच गया, तेल लेट गया, बहुत ज़्यादा ही धूप है, तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। दोस्तों दिन में बज रहे हैं 3 और 3:15 की मूवी है KGF 2, वही देखने जा रहे हैं। नींद भी आ रही थी, मुझे लग रहा है 6 बजे टिकट करानी चाहिए थी, गड़बड़ कर दिया मैंने। मुझे लगा कि जाके देख के आ जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी नींद आने वाला टाइम है। 3 बजे नींद आ रही थी बहुत तेज़, लेकिन सब छोड़ छाड़ के मूवी देखने जा रहे हैं। अब बुक कर दिया तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो भाई और मामा दोनों जने जा रहे हैं KGF 2, और किसी को ये समझ में तो आती नहीं, मार धाड़ वाली मूवी है, इसलिए बाकी किसी को नहीं ले जा रहा, मामा और भाई मैं जा रहे हैं, तीनों जने KGF 2 देखने। दोस्तों सब लोग आ गए हैं, कार में बैठ गए हैं, मैं चल दिया हूँ, दिखा दो सब कोई। मामा KGF 2 देखने जा रहे हैं, 1 देखी है आपने कि नहीं? ना 1 देखा है मैंने, 1 देखा है तभी समझ आएगा, ना फिर बेकार लगी फिल्म। नहीं 1 मैंने देखा। 1 आपको कैसी लगी? 1 ठीक ठाक लगा मुझे, और ये जिस तरह से कोयला और उसमें जिस तरह से जो धांधली या जो ये सब होता था उससे संदर्भित ये भी लग रहा है, उसके पैरेलल समकक्ष जो धनबाद से रिलेटेड इशू होते रहते तब, तो ये कर्नाटका के कोलार एरिया का कहानी लग रहा है मुझे। 2018 में फिल्म आई थी ये, तब का याद है आपको सारे कैरेक्टर? KGF 1 का हाँ कुछ कैरेक्टर्स तो याद होंगे, रिकलेक्ट करने पर याद आ जाएंगे। जा रहे हैं KGF 2 देखना, बहुत ही हाइप है, इसीलिए दिन में अपना नींद त्याग करके हम लोग जा रहे हैं KGF 2 देखने। तो पहुंच गए हैं सिनेमा हॉल में, मास्क का गोलू के पास नहीं था, तो मैं लग रहा है मास्क वाली अनिवार्यता जो है खत्म हो गई है। मामा फिल्म कैसी लगी, क्या इसमें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा?
फिल्म दृश्यांकन तो अच्छा था, लेकिन तथ्यों से परे लग रहा था। जो कुछ चीज़ें दिखाई गई जो संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। दोस्तों फिल्म में जो है एक हीरो कितना बड़ा हीरो हो सकता है वही दिखाया गया। रेमंड के कपड़े पहना के उसको कोट पैंट, पूरी धूल उड़ती जगह में उसके कोट पैंट पे कहीं धूल नहीं गिर रही, कुछ नहीं हो रहा। और बड़ा हीरो कैसे बनाया जा सकता है वो इस फिल्म से सीखना चाहिए। बस उसके अलावा फिल्म में जो है शोर शराबा बहुत था, म्यूज़िक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़बरदस्ती का मतलब मूवी होनी चाहिए थोड़ी शांत की, क्या डायलॉग है क्या वर्ड्स हैं कुछ सुनाई दे, है ना। तो म्यूज़िक जो है इन्होंने इतना जो है बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं भी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, मेरी फिल्मों से तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि डायलॉग जो है सुनाई देना चाहिए और म्यूज़िक बैकग्राउंड वाला वो हाईलाइट करने के लिए या चीज़ों को इमोशन को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डायलॉग ही खा जाए और खाली म्यूजिक ही म्यूजिक सुनाई दे। इसीलिए फिल्म जो है मुझे बेकार लगी म्यूज़िक के मामले में। ओवरऑल स्क्रीन प्ले जो है और सीन्स जो है अच्छे बने थे, लेकिन फिल्म की कहानी वगैरह नहीं थी कुछ। बस यही है एक हीरो को कितना बड़ा हीरो बताया जा सकता है, कितने लोगों को मार सकता है वो, क्या क्या अकेले कर सकता है, यही दिखाया गया। बस और कुछ नहीं था मूवी में, जो संभव ही नहीं। और सबसे एक और सीन था कि पार्लियामेंट में जाके प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं वहाँ भी जाके, और जिसको मारना है उसको मार दे रहा है। तो बताइए और इससे बड़ा जो है क्या ब्लंडर हो सकता है। फिल्म का मेन जो मकसद है कि लार्जर देन लाइफ जो हम लोग नहीं जी सकते वो दिखाएं ताकि हम लोगों को अच्छा लगे, इसीलिए वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा क्रिएट करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट करो, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलो, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलो कि रियलिटी और उससे जो है पार हो जाए। तो ये मुझे बेकार लगा। कुछ रहो ज़मीन पर भी रहो, इतने हवा में मत रहो। तो ये जो है बाकी आप फिल्म देखिए अगर देखनी है तो। मेरा है कि वेट करिए OTT आए तब देख लीजिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में इतना मतलब साउंड का इफेक्ट है कि दिमाग चक्कर खा गया, डायलॉग कुछ समझ में आए नहीं। ये नहीं कि सीटी ताली कोई बजा रहा हूँ, मैं हिंदी वाले बेल्ट से बोल रहा हूँ, जो भी रिव्यू मेरा सुन रहा है तो मैं हिंदी वाले से, कोई सीटी ताली नहीं बजा रहा था कि आप लोग कहें कि सीटी ताली की वजह से जो है डायलॉग में भी समझ नहीं आया हूँ। तो ये जो है ऐसे ही था कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड था कि डायलॉग जो है पता ही नहीं चल रहे थे कि वो क्या बोल रहा है।